मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आ चुकी हूँ आप सभी के लिए। और इंदौर को भारत का दिल भी कहा जाता है। पिछले 5 वर्षों से ये बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड जीतता आ रहा है। अगर आप कभी भी इंदौर घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। और इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को देने वाली कंपनी का नाम है SS मशीन इंजीनियरिंग वर्क, जो कि इंदौर में स्थित है। SS मशीन एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये कंपनी बिजनेस लगाने से पहले आपको हर पॉइंट पे हेल्प करती है, क्योंकि इनका कोटेशन ही है बेहतर मशीन बेहतर भविष्य के लिए। तो दोस्तों, आज हम मिलाने वाले ऐसे नव युवक से जिनका नाम है आमिर, जिन्होंने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिनके साथ मिलकर आज सैकड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, इनसे मिलते हैं, जानते हैं ऐसे फौलादी और दमदार बिजनेस के बारे में। तो गाइस, मेरे साथ है आमिर सर। आमिर सर, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी हमारी कंपनी में, SS मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स में। सर, अपने बिजनेस का जो सफर है, आपका जो एक्सपीरियंस है, प्लीज शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। हमारा मैडम, ये 3 पीढ़ियों का बिजनेस है हमारा। ये 1990 से मेरे दादाजी ने इसको पूरा टेक ओवर करा था, फिर मेरे फादर ने इसको टेक ओवर करा पूरा, अब मैं इसको पूरा टेक ओवर कर रहा हूँ। सर, मैं और मेरे साथ नए सारे नव युवक जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है किसकी किन किन चीज़ों में डील करती है। मैडम, हमारा जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है जी। हम पूरा फोकस करते हैं फ्लाइस ब्रिक्स मशीन पे, पेवर्स ब्लॉक मशीन पे, PVC मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड, हार्डनर, कलर, PVC पैलेट्स, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग कोई ट्रेडिंग का काम नहीं करते, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सब। सर, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बैठी हुई है, तो आपकी जो कंपनी है उनसे बेहतर कैसी है? नहीं मैडम, बेहतर इसलिए है क्योंकि हम लोग कस्टमर का जो है बेहतर मशीन को देख के बेहतर भविष्य का देखते हुए चलते हैं हम पूरा। तो हमें सर, क्या आपने मशीनों के डीपली आप बता सकते हैं? जी मैडम बिल्कुल। आरती मैडम, मैं आपने आपको बताऊं अपनी कंपनी के बारे में। तो हमारी कंपनी का नाम जहां पे लिखा होता है ना, SS मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स, वहां पे लिखा होता है बेहतर मशीन बेहतर भविष्य के लिए। तो बेहतर मशीन बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बेहतर भविष्य आपका कैसा हो, ये आपका और हमारा दोनों का साझा निर्णय होता है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना होता है। पहला ये फोकस करना होता है कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, उसका जो सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो बिजनेस क्या रेगुलर चलेगा या किसी 2 महीने चला 4 महीने बंद रहा है, इस तरीके का है। और तीसरा पॉइंट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं और उसका मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से करें कि जिसका आपका सेल हो अच्छा और अच्छा इनकम आपको जनरेट हो सके, ठीक है। तो हमारी कंपनी इन 3 पॉइंट्स पे ही फोकस करती है, ठीक है, कि आपका फ्यूचर देखिए। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हम लोग बनाते हैं, पेवर ब्लॉक मशीन, पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, फ्लाइस ब्रिक्स मशीन हम लोग बनाते हैं, पेवर ब्लॉक के सारे एसेसरीज हम लोग बनाते हैं, फ्लाइस ब्रिक्स मशीनों की एसेसरीज बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब ये सब कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट्स है। इससे जब आप बनाएंगे ना, तो अपना इंडिया डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है तो क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू चलता रहता है? तो ये बिजनेस लगाने के बाद से आपको बैठना नहीं पड़ेगा कि भाई रिसेशन आ गया, भाई कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे भी जिसको दिक्कत है घर बनाने का, वो तो बना ही रहा था। जैसा आपको पता है, लेबर भूखे तो मरेंगे नहीं, वो लोग काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये एवरग्रीन बिजनेस है, पेवर ब्लॉक का सेपरेट बिजनेस है और फ्लाइस ब्रिक्स मशीन का अलग बिजनेस है। तो आप इसमें इस वीडियो में पेवर ब्लॉक और फ्लाइस ब्रिक्स दोनों का जानेंगे। तो पेवर ब्लॉक का मैं आपको चल के एक बार दिखा देता हूँ क्या सेटअप है, किस तरीके से आपको करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाएंगे। जैसा ये पेवर ब्लॉक आपको मैं दिखा दूं, ये पेवर ब्लॉक है जो यहाँ पे यूज हुआ है ना, यही पेवर ब्लॉक अगर आप अपने घर के पास इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इस्तेमाल करता है इसको, तो उसके घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। पेट्रोल पंप पे आप देखते होंगे ये पेवर ब्लॉक, उस पर पेट्रोल पंप पे ट्रक्स वगैरह भी जाते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है, तो मजबूती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इससे खूबसूरती भी बढ़ता है। गवर्नमेंट ने अपने हर एक प्रोजेक्ट में पेवर ब्लॉक को मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि इससे वाटर कंजर्वेशन होता है, वाटर लेवल आपके घर के पास बना रहेगा, ठीक है। अब इस पेवर ब्लॉक को बनाने के लिए ये मशीनरीज यूज होती हैं। ये हमारी मशीनरी में स्पेशल ये है कि ये मशीनरी जो है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनी हुई है। बाकी वेल्डिंग शॉप वाले जो होते हैं वो पूरा मतलब जैसा ट्रेडिशनल चला आ रहा है उस तरीके से पेवर ब्लॉक की मशीनरीज बनाते हैं। लेकिन हमारा डिज़ाइन आप देखिए, ये वाला डिज़ाइन देखिए, ठीक है, ये 3 डिज़ाइन है हमारे पास। पहला डिज़ाइन ये हो गया, दूसरा डिज़ाइन ये अपना ये वाला है, ये रोबोटिक मॉडल है। इससे प्रोडक्शन एक दिन में 5 से 6 हज़ार पेवर ब्लॉक का आप इजीली कर सकते हैं, उतने मोल्ड्स होने चाहिए आपके पास। अभी मैं इसके साथ ये कलर मिक्सचर है, कलर मिक्सचर मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोबोटिक मॉडल के साथ ये कलर मिक्सचर आता है, इसकी कैपेसिटी 120 से 150 केजी तक की है। इसमें इस कलर मिक्स होता है और कलर मिक्स होने के बाद से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताएंगे हम कि क्या क्या किस तरीके से किया जाता है।
ठीक है। ये कलर एक तीन मशीनरीज लगती हैं आपको, एक कलर मिक्सचर लगता है, एक कंक्रीट मिक्सचर लगता है और ये दो वाइब्रेशन टेबल लगते हैं। ये वाले वाइब्रेशन टेबल है, ये दो लगता है। हमारे पास तीनों के डिज़ाइन अलग अलग है। ये सबसे हाई रोबोटिक है, 3 फीट बाई 11 फीट का। ये कलर मिक्सर है 150 kg कैपेसिटी का। ये कंक्रीट मिक्सचर है, इसके साथ रोबोटिक के साथ फुल बैग का आता है। ये हाफ बैग कैपेसिटी का कंक्रीट मिक्सचर है। अब मैं दूसरा मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा मॉडल ये अपना है, ये ट्रेडिशनल मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा ये मॉडल चलता है। इसका प्राइस भी बिल्कुल नॉमिनल है। अगर आप इस मशीन को ख़रीदते हैं तो एक साल के अंदर ये आपको अपना पूरा प्राइस दे के चला जाता है। साथ में आप पॉजिटिव में रहते हैं, निगेटिव में भी रहते हैं एक साल तक। ये इसका कलर मिक्सर है, कलर मिक्सर की कैपेसिटी 120 kg की है। ये इसके साथ वाइब्रेशन टेबल है दो, और इसके साथ एक फुल बैग का कंक्रीट मिक्सर आता है, ठीक है। ये 2.5x10 का कैपेसिटी का साइज का ये वाइब्रेशन टेबल है। इसमें 8mm की सीट यूज़ की है हम लोगों ने, हेवी झूला दिया हुआ है। हमारा माउंटिंग अगर आप दिखाएं तो इधर आ जाइए मैडम, इधर माउंटिंग हमारा दिखा दीजिए। ये हमारा माउंटिंग है, जो स्पेशल माउंटिंग बनता है ये रबर का बनता है, बाकी लोग इसमें स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। ये हाई डेंसिटी का रबर होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है। हम अपनी मशीनों पे वारंटी एक साल की देते हैं, तो कहीं टूटने का वो ऐसा कुछ मसला ही नहीं होता है हमारी मशीनों में, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये मशीनरीज बनी हुई हैं, हेवी ड्यूटी। तो इसमें लाइफ लॉन्ग चलने की भी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। जो कंस्ट्रक्शन मशीनरीज का 10 साल लाइफ होता है, हमारी मशीनरीज का 15 से 20 साल तक का लाइफ है। मोटर का एक साल का वारंटी, अगर आपका ख़राब होता है आप उसको रिटर्न करिए, हम नया मोटर देंगे, उसमें रिपेयरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके साथ ये दो सपोर्टिंग टेबल भी होता है। तीसरा जो सबसे अपना पहला मॉडल है, जो स्टार्टिंग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो लोग अगर लेना चाह रहे हैं, तो ये उसके साथ कलर मिक्सर है। इसके साथ की मशीनरीज की इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके साथ जो वाइब्रेशन टेबल आता है उसका इमेज मैं आपको दे देता हूँ। और इसके साथ अभी जो मशीनरी है ये डिस्पैच हो चुका है, हमने ये 3 महीने पहले ये सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं। पहले हम भी ट्रेडिशनल करते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, तो ये हमने इंजीनियर से ड्राइंग करा के ये मशीनरीज बनाई है। अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बार दिखाता हूँ कि जहाँ पे पेवर ब्लॉक बन रहे हैं वहाँ पे एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। तो एसएस मशीन आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करते हैं, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है। साथ में एसएम इन्हें भारत के टॉप 5000 मैन्युफैक्चरर में इस कंपनी को शामिल किया है। भारत के हर कोने कोने में इनकी मशीनें जाती हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा होगा कि एसएस मशीन से कुछ मशीनों की झलक। अगर आप इन मशीनों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर आ रहे होंगे, और कंपनी को आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं उनकी पूरी डिटेल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाने से पहले आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगी, वीडियो प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो अगर स्किप कर दे तो आप आधी अधूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पे पेवर ब्लॉक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पेवर ब्लॉक। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर मिक्सचर पैन रखा हुआ है, क्योंकि पेवर ब्लॉक का जो टॉप लेयर होता है उसको कलर से सेट करने के लिए इसमें रखा जाता है टॉप लेयर को। फिर उसके बाद इसको वाइब्रेशन टेबल पे आगे रख दिया जाता है। इसको सेट करने के बाद फिर से इसमें कंक्रीट मिक्सचर भरा जाता है। कंक्रीट मिक्सचर को सेट करने के बाद इसको फिर से वाइब्रेशन टेबल पे रख दिया जाता है। फिर वाइब्रेशन टेबल पे रखने के बाद इसको फिर वहाँ पे सुखाने के लिए रख देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों। 12 घंटे सूखने के बाद ये फिर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। ये अभी हम आ चुके हैं अपने मोल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे आपको प्लास्टिक के मोल्ड्स बनते हैं और यहीं पे आपको पीवीसी रबर्स के मोल्ड्स भी मिल जाते हैं। अभी प्लास्टिक के मोल्ड्स में दिखाऊं तो इस मशीन से ये अपना प्लास्टिक का मोल्ड्स निकल के आ रहा है। ये हेवी क्वालिटी का मोल्ड्स है, इसको आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको 60-70 रुपये में मिलता है। यही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अगर आप लेते हैं तो ये आपको 35-40 रुपये का मिलने वाला है। इसमें क्वालिटी इससे भी बेहतर है हमारे पास, जो आपको बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग विदाउट बजिंग के आपको पेवर ब्लॉक्स बना के देगी। देखिए इसमें बज नहीं होता है ज़्यादा, ये ढीला होगा ना तो आपका पेवर ब्लॉक बज होगा और उसका साइज एक्यूरेसी नहीं आता है। अभी मैं आपको पीवीसी रबर का मैं दिखा देता हूँ मोल्ड्स। ये रिसाइकल मोल्ड्स है, जो स्टार्टिंग में चाहते हैं कि मेरे को चलने वाला मोल्ड्स चाहिए वो उनके लिए ये मोल्ड्स है। 110 रुपये किलो का मोल्ड्स है, ये एक साल के वारंटी के साथ आता है आपको। अगर ये मोल्ड्स आपका एक साल के अंदर ख़राब हो जाता है, यानी कि फट जाता है, तो आप इसको हमें देंगे, हम इसको रिसाइकल करके आपको फिर वापस दे देंगे। इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ बीच वाली क्वालिटी जो है, ये बीच वाली क्वालिटी का माल है। ये वाला देख रहे हैं आप, ये भी फ्लैक्सीबल है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, कैसे भी आप इसको मोड़ लें, ठीक है। ये बिल्कुल 135 रुपये किलो का ये माल है, 135 रुपये, 2 साल की वारंटी इस पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सबसे टॉप क्वालिटी का, जिसको बोलते हैं वर्जिन का माल, ठीक है, वर्जिन,
रिलायंस के प्रोडक्ट से बनने वाला ये चीज है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आप देखें इसको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, और ये आज जैसा फ्लेक्सिबल है ना, 3 साल बाद भी वैसा ही फ्लेक्सिबल रहने वाला है, और ये चलने को 7 साल 8 साल ये मोल्ड्स, एक मोल्ड चलता है। इसमें सेम मोल्ड्स में अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक ये और ट्रांसपेरेंट का माल है, ये ब्लू कलर का है। कई बार ये गंदा हो जाता है, लोगों को लगता है कि भाई गंदा है, तो ये वाला माल अगर आप यूज करते हैं तो ये गंदा नहीं होता है। इसका 3 साल का वारंटी है, अगर ये फट जाता है तो हम वापस से इसको रिसाइकिल करके देंगे। ये 150 रुपीज़ केजी का आज रेट है। जो भी मैंने आपको रेट बताया ये आज का, ये डेली वाइज, कभी घट भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है। तो आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन करेंगे हमें, एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स, तो आप मोल्ड्स भी यहीं से ले लेंगे हमारे वहाँ से, आप मशीनरीज भी हमारे वहाँ से लेंगे, केमिकल हार्डनर पीवीसी पैलेट्स सब चीज़ के हम मैन्युफैक्चरर। रेट में आपको दूसरे जगह से जो ट्रेडिंग करते हैं उनसे कभी भी सस्ता रेट यहाँ मिलने वाला है।